हम आपका धन्यवाद करते हैं वी थैंक यू आपने लगातार हमारी सुधी ली है यू हैव केप्ट अस सेफ थ्रू आउट दिस टाइम और हम सुरक्षित हैं प्रभु एंड वी आर सेफ और आपके वचनों को सीखने का हमें समय मिला है एंड यू हैव गिवन अस दिस टाइम टू लर्न योर वर्ड इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग आज के दिन एक बार फिर से टुडे uh, अगेन अपने वचन को प्रकाशित करें

और लोन मे योर नेम बी ग्लोरिफाइड थ्रू आवर लाइव्स और जो आपकी इच्छा है वो हमारे जीवनों में पूरा हो जाए एंड मे योर विल बी डन फॉर आवर लाइव्स ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वी आस्क दिस प्रेयर इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड आमीन आमीन तो so, फिर से आप सबों का इस अध्ययन में हम स्वागत करते हैं एंड वी वुड लाइक टू वेलकम यू अगेन इन दिस इवनिंग बाइबल स्टडी और तब जो विषय हम लगातार फॉलो कर रहे हैं उसी में हम आगे बढ़ेंगे एंड वी वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक हैव बीन डूइंग फैमिली के विषय में हम सीख रहे हैं वी आर लर्निंग अबाउट फैमिली और तब हमने सबसे पहली बात से देखा था कि ये जो फैमिली का अरेंजमेंट है ये परमेश्वर का है एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्नड वाज दैट दिस फैमिली इज अरेंज्ड बाय गॉड और तब फैमिली का आरंभ कैसे हुआ और परमेश्वर क्या करता है और उनसे क्या चाहता है इन बातों को हमने ध्यान से देखा

और उसमें क्या क्या बातें होती हैं उन सब सब बातों को हमने गहराई से अध्ययन किया एंड ऑल uh, uh, तब, तब ये, कैसा होना ये हमने ध्यान किया एंड लर्न हाउ बी और तब यूनियन uh, के बाद uh, पत्नी का uh, नंबर आता है एंड देन नेक्स्ट इन यूनियन इज द वाइफ बाइबल में ये बात हम पढ़ सकते हैं और लिखा हुआ भी है कि पुरुष पहले बनाया गया और स्त्री बाद में एंड इन द बाइबल द मैन वाज मेड बिफोर द वुमन उसके बाद उसने इनको यूनाइट करके एक फैमिली का आरंभ किया एंड देन ही यूनाइटेड देम एंड क्रिएटेड अ फैमिली और तब हम ध्यान से इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि

Uh, जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़ लिए रहना एंड आई है अब क्योंकि हम पत्नी के विषय में देखने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए पतियों को ये बात नहीं ध्यान करना है ऐसा नहीं है एंड जस्ट बिकॉज वी आर लर्निंग एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड कैरेक्टर ऑफ अ गॉडली वाइफ दैट दिस डज नॉट मीन दैट द हस्बैंड हैव अ रिलैक्सेशन इन दिस मैं आपको बता दूं लेट मी टेल यू यहां उसने एक स्त्री के पत्नी के रूप को लिखा है पर सबसे पहले एक प्रश्न के साथ ये शुरू होता है

this basically means it is a question on uh, to the man or to the male counterpart saying that are you worthy of having a woman of virtue aur tab ek model ke vishay mein humne dhyan kiya tha then we saw a, a model jisme izhaq ke vivah ki baat को हमने ध्यान किया Where we saw the marriage of Isaac और उस जगह पर जो बात उसके लिए देखी गई वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। एंड देयर व्हाट वाज टू बी सीन इन द गर्ल वाज टू बी मैरिड एंड कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब दस ऊँटो को उसने पानी पिलाया शी गेव वाटर टू टेन कैमल्स और यही यही एक आश्चर्यजनक बात है कि एक जो लड़की है

एलियाजर ने ध्यान किया इसमें एक एक लाइन उस बात का सपोर्ट करती है एंड ऑल द थिंग्स दैट एलियाजर वाज लुकिंग फॉर इन गर्ल फॉर आई टू बी आई जैक्स वाइफ ऑल दीज कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइबर इन एवरी लाइन इसलिए हमने पहले पति के विषय में ध्यान किया सो वी फर्स्ट सो अबाउट दौन ऐसा पति है जो भली पत्नी प्राप्त कर सकता है मैन हु इज वर्दी ऑफ हैविंग अ वर्चुअस वुमेन क्यूँकी इसका मोल बहुत बड़ा है बिकॉज शी इज प्राइसलेस यहाँ लिखा हुआ है उसका मूल्य मूंगो से भी बहुत अधिक है

किसे लाभ घटी नहीं होती पत्नी को या पति को इसको आगे किया है। बीन डिफाइंड व्हेन वी प्रोसीड फॉरवर्ड अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू सी कि एक पत्नी जो है उसके कारण पति लाभ में रहता है that we are, uh, that

we are sitting here to meditate कि एक पत्नी जो है अपने पति के प्रति विश्वास योग्य ठहरना चाहिए that a wife should be faithful to her husband क्योंकि बाइबल में सीधी बात ये कह दिया है कि विवाह के बाद माता-पिता को छोड़कर पत्नी के साथ ही वो रहेगा because he, in the bible it is said that leave uh, after marriage a uh, man has to leave his

इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए उसका मतलब ये है हमने पिछले सेशन में no और मैं, जो से बताने का प्रयास कर रहा था एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस पूरे भारत देश में चाहे किसी भी डिनोमिनेशन में यदि किसी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है तो उसका कारण केवल और केवल थर्ड पार्टीज की एंट्री है दैट बी इट एनी वन इन इंडिया और एनी वेयर द

इसको पति को इसके कुछ कुछ बातों से लाभ क्यों होता है उसका वर्णन यहाँ लिखा है एंड हाउ डज द हस्बैंड प्रॉफिट आउट ऑफ बिकॉज ऑफ द वाइफ इट्स मेंशन हियर बारह तेरह और चौदह पद में लिखा है इन प्रोवर्ब थर्टी वन ट्वेल्व टू फोर्टीन इट्स मेंशन वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है शी डज गुड हिम गुड एंड

अपने पति से जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करती है कभी भी अपने बच्चों के साथ कोई भी माँ बुरा व्यवहार नहीं करती वैसे ही पत्नी भी ये जो पत्नी है जो बाद में माँ बनती है वो अपने पति के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करती पर भला ही व्यवहार करती है What here we mean to say is that whenever a wife, the wife always does good टबेंड जस्ट लाइक अ मदर ऑलवेज इज गुड टू हर चिल्ड्रेन चाहे पति में भी दुर्गुण हो मैंने देखा है ऐसी है जो अपने पति के विषय में हमेशा ढाल की तरह खड़ी रहती आई सीन गॉडली वेन्ड लाइक इन फ्रंट ऑफ दो मैटर हाउ बैड ही इज मैंने दोनों पार्ट देखा है आई है गुड एंड एक ऐसी भी पत्नी होती है जो अपने पति के साथ एक दिन भी भला व्यवहार नहीं करती दे आर वाइफ हुई डोट नॉट डू एनी गुड टू दे हसबेंड नॉट इवन अल डे ऑलवेज उसके जो बातें होती हैं वो इरिटेटिव होती हैं। है ऑलवेज शी ऑलवेज इम हर बात में वो उसका कंप्लेन रहता है इन एवरी शी हैज कम्प्लेन अगेंस्ट हिम मैं जितनी पत्नियां हैं चाहे पुरानी चाहे नई सबसे ये बात आज बताना चाहता हूँ I want to tell all the wives, be it the ones who have married earlier and the newly married. अपने जीवन के सारे दिनों में मतलब अंतिम स्वास तक वो अपने पति के साथ बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती. है। That a good wife always चाहे उससे कितनी भी चूक हो जाए या कितना भी उसके साथ में वो दुर्व्यवहार करे फिर भी पत्नी का जो रोल है वो गॉडली नेचर है परमेश्वर जैसे हमारे साथ कभी बुरा नहीं अच्छा ही करता है वैसे ही पत्नी के लिए ये बात कही गई आप अपने साथ मिलाते जाइए प्लीज ट्राई टू कनेक्ट दीज थिंग्स विद योर से आप किस तरह की पत्नी है वॉट काइंड ऑफ अ वाइफ यू आर अपने जीवन के सारे दिनों में वो चाहे कैसा भी है उससे आप अच्छा बुरा, अच्छा व्यवहार करती है की बुरा व्यवहार करती है

in whatever he does is because you take care of your of the things of the house मैं कई बार बता चुका हूं फिर से आज रिपीट करता हूं i have said many a times i am going to repeat again घर के बाहर पति ही सिर है outside the house uh, the husband is the head but घर के भीतर जो है वो जो पत्नी है वो हेड होती है but within the house the wife is the head अब ये जो हेड है उसका व्यवहार कैसा है उसका काम कैसा है ये पूरा इस अध्याय में वर्णन किया हुआ एंड व्हाट दिस हेड इज लाइक और द वर्क ऑफ दिस हेड द कैरेक्टर ऑफ दिस हेड इज ऑल मेंशन इन प्रोवर्ब्स 31 लिखा है वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है शी गेट्स वुल एंड लेनिन वर्किंग एट द बिजनेस ऑफ अर हैंड शी इज लाइक द ट्रेडिंग ships गेटिंग फूड फ्रॉम फार अवे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू टेल हियर खासकर जो ओल्ड मेंटलिटी के लोग हैं और न्यू मेंटलिटी के जो पत्नियां हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम uh, क्रिएट होता है

सीनियर पेरेंट्स हैं, उनको इस बात को आपस में बात करके कोई बात समझाना चाहिए uh, new, पार्टी को एक दूसरे की बात समझना जरूरी है यदि एक तरफा कोई भी बात होगा तो झगड़े बढ़ेंगे एंड बोथ द साइड एंड एक्सप्लेन दाइड एंड बिकॉज इफ इट वन साइडेड टन देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें सीनियर पेरेंट्स को समझना है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें जो जूनियर फैमिली जो नए दूल्हे दुल्हन है उनको समझनाट जाइए मार्केट और तब मार्केट में यदि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं एंड इफ यू बाय समिंग फ्रॉम दे तो वो उसमें और जो चीज ऑनलाइन आता है उसके दोनों के रेट में

We uh, साधारण दुकानों में मुझे वो uh, जो मुझे चाहिए था वो दिख नहीं रहा था एंड आई कंट फाइंड दैट इन दर्डनरी क्लोदिंग शॉप और तब मॉल से मैंने एक लोअर खरीदा pant, uh, uh, में बैठ के अमेजोन में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग टू फाइंडिंग ऑनलाइन वो सेम चीज मुझको दो सौ रूपये में दिखा एंड आई सो द सेम थिंग फॉर अराउंड टू हंड्रेड रुपीज और मैंने एक तो यहाँ मॉल से खरीद लिया था और दूसरा मैंने

एंड यू माइट गेट दैट मोर एक्सपेंसिव वेन यू गो टू अन ग्रोसर और टू अ ग्रोसर पर जो लोग इनको उगाते हैं या जो खेती करते हैं आपका यदि वहां तक का डिस्टेंस यदि आप मैनेज कर सके तो वहाँ आपको कई गुना कम रेट में आपको सारी खाने पीने की चीजें मिलेंगी बट इफ यू कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली फाइंड इट मच मच चीपर इवन जो सब्जी वाली होती है इवन वो दो नहीं है दे उन लोग एक सिस्टम में जाकर खरीद के लाके उसमें अपना हिस्सा निकाल के आपको देते हैं दे गो एंड दे बाय परचेस इट फर्स्ट एंड देन दे टेक आउट देयर ओन प्रॉफिट एंड देन दे सेल इट टू यू ये हमको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमारे लिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दीज आर सम स्मॉल थिंग्स व्हिच ऑल क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स फॉर अस इवन घर के जो मेंबर्स हैं ये ओन और सन का मतलब है

घर के कामों में हर एक के पास वर्कलोड पुरुष से ज्यादा होता है दैट वो दैट द वाइफ्स ऑलवेज हैव मोर वर्क देन द हस्बैंड पति को भी देखना है पत्नी को बच्चों को भी देखना है और पेरेंट्स को भी देखना है और घर का सामान भी यहां देखिए कि यही कर रही है ये सारे वर्कलोड है उसके ऊपर एंड हियर इज शी हैज टू लुक आफ्टर द हस्बैंड द चिल्ड्रन द एल्डर्स

आप ऑनरेबल इसलिए हो क्योंकि आपको उतना काम करने की क्षमता परमेश्वर ने दिया है मैं देखता हूँ अपने घर में भी देखता हूँ कि नींद खुलने से लेकर नींद लगने तक जो घर की महिला होती है चाहे पुरानी हो चाहे नई हो वो बहुत मेहनत करते हैं

and uh, when it comes to becoming a mother or to pregnancy, this is something which a man can never understand. मैंने आज तक किसी भी ऐसी महिला को नहीं देखा है जो uh, child bearing के time पर uh, उस आपने उस काम से वो झल्लाती हो. and I have never met a woman who has uh, ever disgraced or disliked इसलिए मैं समझाया करता हूँ की आदम जो है मिट्टी से बना था पर परमेश्वर ने हवा को हड्डी से बनाया मजबूत बनाया एंड देव आउट ऑफ बोन बिकॉज शी है पूरे घर की चिंता करती है शी टेक्स केयर ऑफ द होल हाउस और उसमें खींच नहीं होता उसको प्रसन्नता होती है की वो अपने घर का काम कर रही है

यहाँ लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति के साथ वो बुरा व्यवहार नहीं करती भला ही व्यवहार करती है डेज ऑफ लाइफ उसके आगे लिखा है सोलह सत्रह इन वर्सेज फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन रात ही को उठ बैठती है शी गेट्स अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी को अलग अलग काम देती है वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है to her servant girls. After looking at a field with care, she gets it for a price, planting a wine garden with the profit of her work. She puts a band of strength around her and makes her arms strong. I <laughs> आई वॉन्ट टू ट न्यू जेनरेशन ऑफ वूमेन हमारा जो सिस्टम है दिस्टम दैट वी ऑल फॉलो आजकल जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं फ्रेज कहा जाता था अर्लियर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट जल्दी उठना ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है आज का जो सिस्टम है बट थ्री स्टेज खासकर जो शहर है बड़े शहर है वहाँ का जो सिस्टम है इस, इस विषय में आजकल शहर और गांव सब बराबर हो चुका है 12 एक बजे दो बजे तक पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं करके वो बताते हैं कि हम रात में बिजी हैं पर वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो रिजल्ट बताती है Uh, the children usually say that they study till uh, 12 or late at night but uh, the result the academic result tells whether they did or not <laughs> this is not only for the girls and uh, these days the children have a habit of sleeping late at night and getting up late at in the morning too भली पत्नी का ये पिक्चर है दिस इज पिक्चर ऑफ गॉडली वाइफ वो रात ही को उठ बैठती है अभी सुबह हुआ नहीं है और उठ बैठी है वो। और अपने घराने को भोजन खिलाती है तैयार करती है शी फैमिली और अपनी जो सर्वेंट्स हैं, लौंडिया हैं, उनको काम का सुपरविजन भी उसी का है एंड सुपरवाइजर गर्ल्स और वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है एंड विथ द प्रोफिट ऑफ अर्क प्लांट्स वाइन गार्डन मैं आपको ये बात बता दू लेट मी टेल यू ये सारे कामों के लिए उसको अपने आप को हमेशा दृढ़ बनाने का है। For all these things, she needs to herself. लिखा है लिखा अपने कटी को बल के फेटे से कसती है कमर बांध लेती है कि ये सारे काम मुझको करना है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है भली इसको कहते हैं दिस इज अ गॉडली वुमन इज लाइक इसका मतलब घर के भीतर के काम में पुरुष का कोई रोल नहीं है ऐसा नहीं है दिस डज नॉट मीन दैट द हैज नथिंग टू डू इन द हाउस पर घर के भीतर हसबेंड जो है वो हेल्पर है बट विद इन द हाउस द इज द हेल्पर बाहर स्त्री उसकी सहायक है एंड आउटसाइड द वाइफ इज द हेल्पर बट घर के भीतर का मुख्य प्लानिंग मुख्य सारा काम सारी बातें ये पत्नी के लिए दी गई हैं और तब इसके बाद क्या लिखा है says, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है रात को उसका दिया नहीं बुझता वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के के संभालने को हाथ बढ़ाती है, वह अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके उट बाई नाइट्स टू द्लोथ वर्किंग रॉड एंड Her fingers take the wheel. Her hands are stretched out to the poor. Yes, she is open handed to those who are in need. She has no fear of the snow for the family, for all those in her house are clothed in red. This is the first homework. क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं ये क्या कहना चाहता है स्नो फॉर हर फैमिली फॉर ऑल in इन हर हाउस क्लोज इन रेड ये होमवर्क आपको कल आठ बजे के पहले पहले मुझे भेजना है यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ आपको क्या समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं ये लाल कपड़ा क्या है और ये हिम क्या है इसको आपको ध्यान करना है नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेड क्लोथ एंड स्नो विच इज मैं दिस ये एक भली पत्नी के गुण धर्म है

वह तक्के बना लेती है उसके वस्त्र सूक्ष्म स्तन और बैंगनी रंग के होते हैं जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है वह सन के वस्त्र बनाकर भेजती है और व्यापारी को कमर बंद देती है वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है For herself, cushions of needlework and clothing, and uh, sorry, her clothing is fair linen and purple. Her husband is a man of note in the public place. When he takes his seat among the responsible men of the land, she makes linen uh, linen robes and gets a price for them. And the traders take her cloth bands for a price. Strength and self respect are her clothing. She is facing the future with a smile. Sab ka dhyan usko hai. She takes care of everything. Khane and from feeding her family to uh,

बिजनेस और शी वर्स सो दीज हेल्प इन दर्निंग सोर्सली यहाँ लिखा हुआ है इट्स मैं जब उसका पति सभा में देश के पूर्णियों के संग बैठता है सम्मान होता है इट्स मेन्शन हजब इज अ मैन ऑफ नोट इन दब्लिक प्लेस वेन ही टेक्स अमंग I want to remind you of a famous phrase here. एक एक बात कही जाती है कि हर एक सफलता के पीछे एक पत्नी होती है. It's usually said that the success of a behind the success of a man lies a woman. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ. I want to tell you कि जो आज मैं हूँ. What I am today. मैं मेरे विषय में कह रहा हूँ. I'm talking about myself. उसमें भी एक स्त्री का हाथ है जो मेरी पत्नी है एंड बिहाइंड मी इज ऑल्सो माई वाइफ कैसे मैंने काम किया है और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ इसके पीछे वो ही है एंड हाउ आई ने मुझसे कहा था गोड है तू मेरा घर देख मैं तेरा घर देख लुक और सब मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता देखी कि उसने मेरे अनुपस्थिति में भी मेरे घर को मेरे परिवार को उसने एक सम्मानित जगह दिया है एंड देन आई सॉफुलस ऑफ गॉड दैट

The place that he, uh, the time I had to spend with my wife, I spent it with God and in God's work. And uh, so now, wherever I am honored or respected, my wife has an important part in that too. And that is why this proverb starts with a question Who can get a, a woman of virtue? पत्नी के कारण सभा में पति का सम्मान होता है एंड मैन गेट्स रेप्युटेशन गुड रेपुटेशन इन इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज ऑफ हिज वाइफ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू की एक पति जो है वो सभा में देश के पुर्णियों के संग बैठता है तो उस पति का सम्मान का जो कारण है ऐसी पत्नी पीछे है

so uh, if the wife is not helpful or not uh, uh, then a man no matter how rich or how great he is he will never be in a respectable or uh, honorable position and that is why a husband needs to understand this and even the wife क्योंकि वॉच करने वाले पति और पत्नी नहीं है ये दूसरे लोग हैं वो उसका सम्मान कर रहे हैं एंड आर वाचिंग एंड रिस्पेक्टिंग द मैन इज नॉट द एंड वाइफ इट इज द पीपल फ्रॉम इट इज दीपल देयर रिलेशन और वर्क और इसलिए पति और पत्नी का जो आपस का जो रिश्ता है वो वो यूनियन जो है वो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होना चाहिए And that is why the relationship uh, or the union between a husband and wife should be exactly as God intended it to be. And so we first learn about the man, how a husband should be. And now we are learning about the wife. And then it says. सत्ताईस और अट्ठाइस पद में लिखा है वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है her mouth is open to give out wisdom and the law of mercy is on her tongue she gives attention to the ways of her family she does not take her food without working for it her children get up and give her honor and her husband gives her praise यहाँ पर लिखा है इट्स सेज कि जो चिल्ड्रन्स है वो भी उसको धन्य कहते हैं और पति भी उसको उसकी प्रशंसा करता है

बुक ऑफ जो चैप्टर ट्वेंटी परमेश्वर का लिखा है लॉर्ड इज दिगिनिंग ऑफ विस्डम तो जब भी वो मुंह खोलती है तो वो परमेश्वर का भय उसके हर बात में बना रहता है एंड वेन एवर शी ओपन शी ऑलवेज स्पीक्स विद द फेयर ऑफ द लॉर्ड कई बार कई लोगों की खासकर जो फीमेल पर्सन है उसकी जुबान जो है उसका अनादर का कारण बनता है मेनी टाइम्स द टंग ऑफ अ पर्सन स्पेशली अ वुमन इज द रीजन फॉर हर बीइंग डिसऑनर्ड जो जो भली पत्नी है उसकी परिभाषा में ये भी बात शामिल है दिस इज आल्सो मेंशनड कि ऑलवेज वो गॉड फियर होती है दैट अ गॉडली वुमेन इज ऑलवेज गॉड फियर बुद्धि का मतलब होता है परमेश्वर का भय मानना विजडम मीन्स ऑलवेज फियरिंग द लॉर्ड और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं एंड द लॉज ऑफ मर्सी आर ऑन हर टंग उसके उसके जीव में दया टपकती है वो कृपा की शिक्षा इसको इंग्लिश में लिखा है कि मर्सी के साथ भरा हुआ होता है एंड हियर इट मेंशन दैट व्हेनेवर द वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ हर माउथ आर ऑलवेज फुल ऑफ मर्सी कई लोग का मैंने देखा है आउटपुट आई हैव सीन मेनी पीपल स्पीक कि जब लोग बहुत मेहनत करते हैं तो परमेश्वर का भय और ये कृपा की शिक्षा के अनुसार बोली भाषा नहीं होती वो उसका कुछ और सोच होता है

बोली भाषा जो है वो उसको आदर दिलाती है उसके कारण ये उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी लॉर्ड एंड शुड टॉक यूजिंग नाइस एंड गुड वर्ड्स द मैनर ऑफ द वे शी टॉक्स इज समथिंग बिकॉज

Whenever you you say something, is the the fear of the Lord with you or not? Please underline underline Please this धन्य कहते हैं उनका पति भी उठकर उनकी ऐसी प्रशंसा करता है उसका कारण ऊपर लिखा है एंड द रीजन वाई द चिल्ड्रन गेट अप एंड गेव ऑनर एंड द हजब प्रेज

परंतु तू उन सबों में थ्रेस्ट है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी प्रोवर्ब्स 31 29 टू 31 अननंबर अननंबर्ड वुमेन हैव डन well but you are better than all of them fair looks are a deceit and beautiful form is of no value but a woman who has the fear of the lord is to be praised give her credit for what her hands have made let her be praised by her works in the public place <laughs>

इसलिए बच्चे भी उसकी प्रशंसा करते हैं पति भी उसकी प्रशंसा करता है एंड बिकॉज द लॉर्ड एंड वेन शी स्पीक्स एंड शी स्पीक्स इज द रीजन वाई शी विल ऑनर्ड इन इन पब्लिक प्लेसेज ऑनर्ड बाई ह

कि आप कितने भी अच्छे काम करें पर यदि आपकी जुबान में परमेश्वर का भय नहीं दिखता है तो उनका कोई कीमत नहीं एंड नो मैटर हाउ वेल और गुड यू डू बट इफ यू डू नॉट स्पीक विद द द ऑफ़ लॉर्ड इट है हु इज द वन बेटर जिसके जुबान से जिसकी बातों में युवा का भय दिखता है

खुलकर कह दूंगा की हे कुकर्मियों दूर हो जाओ मैं तो तुमको जानता ही नहीं बट दट आई विल नॉट नो एनी वन ऑफ यू मैं यहाँ बताना चाहता हूँ एंड आई वोट टू टेल यूर की बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छे-अच्छे काम किए हैं अ लॉट ऑफ वुमेन हैव डन गुड वर्क पर जिसकी जुबान से परमेश्वर का भय टपकता है वो दिखाई देता है वो सब में श्रेष्ठ है बट द वन थ्रू द वन हु स्पीक्स विद दFear ऑफ द लॉर्ड इज द वन हु इज बेटर देन देम तो खासकर जो फीमेल सेक्शन जो सुन रहा है

उसने बोला की तुमको परेशानी होगा घर के काम को कोई परेशानी समझता है तो शादी ना करे वो ज्यादा अच्छा इफ यू फाइंड हाउस वर्क एस ट्रबल बेटर यू डू नॉट गेट मैरिड भली स्त्री के सारे गुण धर्म है आप एक एक करके नोट कीजिए और अपने आप को अपने कामों को अपनी बातों को उसमें खोजने का प्रयास कीजिए कि आप वहाँ हैं या नहीं tally it यू your doing. दूसरा होमवर्क ये दिस इज homework. आप एक भली स्त्री का भली पत्नी का के गुण धर्म को लिस्ट आउट कीजिए और मुझे भेजिए

The first was about what is the meaning of snow and the red clothing The meaning of the snow and the red clothing homework list out And the second is to list uh, make a list of all the virtues or all the characteristics of a Godly wife. जिसके कारण वो प्रशंसा के योग्य होती है तो प्रसन्नता के साथ करते हैं या काम में आपको परेशानी लगती है एंड वेन एवर यू डू समू डू इट विथ डिलइट एंड प्लेजर और डू यू डू इट बिको विथ इटेड इिटेटेड माइंड सेट और विथ एंग घर के भीतर की हेड आप हैं। होता है वाइफ इज होम घर के बाहर आप सहायक हैं, सहायिका हैं अपने पति के आउटसाइड द हाउस द दर ऑफ योर हसबेंड पर घर के भीतर पति जो है वो आपका सहायक बट विद इन द हाउस द हसबेंड इज हेल्पर एक भली पत्नी के ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन विषयों को आप ध्यान कीजिए सो प्लीज पे अटेंशन और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे we'll और जब विवाह होता है पति और पत्नी का पद मिलता है हमें एंड देन वेन वी गेट दाइटल ऑफ हजब वाइफ तब manage, उसके बाद हमारा एक अपडेट uh, होता है एंड देन A person is upgraded. Husband जो होता है, वो बाप बनता है और जो पत्नी होती है वो माँ बनती है इसके बाद हम लोग आगे एक पिता के विषय में ध्यान करेंगे और उसके बाद एक माँ के विषय में ध्यान करेंगे नेक्स्ट वील लर्न अबाउटर एंड लर्न अबाउट चाहे आप न्यूली मैरिड है न्यू फैमिली हुआ है Maybe a new family has started. चाहे आप पुराने पेरेंट uh, हो और यू माइट बी एनओल्डर जेनरेशन आफ्टर मैरिज एक लड़का और लड़की जो है पति और पत्नी बनते हैं उसके बाद वो मात, पिता और माता बनते हैं एंड आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ दे बिकम फादर्स एंड मदर्स और तब सबसे पहले पिता का जो पिक्चर है वो हमारे पिक्चर the father uh, शुरू में मैं, मैंने बताया था की uh, हमारे भारत देश के शास्त्रों में हिंदू शास्त्रों में क्या लिखा है एंड इन दिगिनिंग आई से इन दिन्दू स्क्रिप्चर ये जो परमेश्वर है जिसको ओम कहा जाता है ये सब मैंने बताया इसके बारे में पितृमा पिता लिखा हुआ है एंड एंड गॉड इज़ 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 हु ओम फादर ऑफ़ फादर्स पिता द फादर ऑफ फादर्स और तब उसके विषय में पहले देखें एंड वी लर्न अबाउट इट अबाउट हिम जो सबसे पहला पिता है उसके करेक्ट, करेक्टरिस्टिक क्या क्या है

Every good and true thing is given to us from heaven, coming from the Father of lights, with whom there is no change or any shade made by turning. English different There is a little difference in the English translation. Daan en daan. It talks about uh, giving and given. Ye, ye homework aapke liye. Uh, it's, It mentions about.

It's the, if you find the true meaning. Bible In the Bible there is a offering. There is is offering. also charity. और तब यहाँ ये यह लिखा है कि ये दोनों ही जो है ऊपर से ही होते हैं एंड are फ्रॉम हेवन और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है एंड इट कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट और जो चीज उस पिता से मिलता है उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है एंड देन वॉट यू गेट फ्रॉम द फादर अब देर इज नो चेंज और एनी शेड मेड बाय टर्निंग ये वो पिता है जो सारे मानव जाति का सृजन परमेश्वर है and this is that father who is the one who has created फादर ऑफ द होल क्रिएशन उस पिता के विषय में ये लिखा है father, और उसके बाद भजन सहिता अड़सठ अध्याय उसके पांच और छह पद को पढ़ेंगे we'll परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है आज के डेट में मैंने बहुत सारे जो लोग हैं उनको कहते सुना है। uh, कई लोग बड़ी भयंकर एक चिंता में रहते हैं Some people are always worried about this. मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा विल हैपन इफ आई डाई

यहाँ लिखा है अनाथों का घर वो बताता है। That he is the one who uh, puts people without friends into families. किसी भी पेरेंट्स के जीवन में यदि ये बात आती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप परमेश्वर की इस लाइन को झूठला रहे हैं। And if any parent thinks that what will happen of my kids after me or after I die, then this means that you are disapproving of God's, of God and what He has promised. मैं, uh, कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट बोलता हूँ uh, जल्दी वो acceptable नहीं होता and they're not really acceptable by all. यदि आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर से ज्यादा बढ़ के अपने बच्चों का चिंता कर सकते हैं तो ये गलत बात है

हमारे जो हिंदू भाई बहन है उनके शास्त्रों में लिखा है कि जितने पिता हैं, सबका पिता वो है एंड दिस इज तो कोई इस पृथ्वी पर परमेश्वर यदि है तो अनाथ नहीं होता है सो नो बडी इज एन ऑर्फिन इफ गॉड इज देयर परमेश्वर कुछ न कोई कोई न कोई उपाय करता है गॉड ऑलवेज मेक्स अ पर जो हठीले लोग होते हैं वो नुकसान में रहते हैं बट दोस हु टर्न अवे फ्रॉम हिम आर ऑलवेज विल नेवर गेट एनीथिंग गुड उससे अलग होने का वो मतलब क्या होता है द वंस हु टर्न अवे मीन कि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है इसलिए सारी चिंता उसने कहा है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो And are, these are the ones who do not believe in the words of God or who do not believe in God and worry about all other things. He has said that uh, cast your burden on me. accept The ones who accept it are the ones who believe that God is the Father for him and his children. और एक बात देखें लेट थिंग रोमी चार अध्याय और उसके ग्यारह पद में लिखा है In Romans 4, uh, 4. It says, लिखा है वहां पर उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं कि वे भी धर्मी ठहरे

फ्रॉम टुमोरो प्रभु आप सबको आशीष दे गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच गुड नाइट गुड नाइट